हाय गाइज, मैं संतनु, आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल। उस वीडियो में आपको बताऊंगा एमआई 10.8.16 ग्लोबल बीटा अपडेट चेंज लॉग। देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स जंप इन द वीडियो। एमआई 10.8.16 का ग्लोबल बीटा अपडेट कल ही 9:30 बजे तक रात में आ गया था, जो कि मतलब आप आज मैं बता रहा हूँ, जो कि मतलब पूरा यूज़ करने के बाद आपको पूरा बैटरी बैकअप थोड़ा इंप्रूव हुआ है पहले से। और अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मतलब स्टैंड बाई ठीक है, और अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपका बैटरी बैकअप सिमिलर हो जा रहा है, जो मतलब आपका काफ़ी मतलब ड्रेन हो रहा है बैटरी, जो कि पहले भी हो रहा था। और अगर आप अबाउट फोन में जाएगा तो अबाउट फोन में कुछ ज़्यादा ऐसा नया चेंजेस नहीं है, जैसे कि सिक्योरिटी पैच का अपडेट अगस्त का नहीं आया अभी तक, और जो कि लास्ट तक आएगा। और अगर आप देखिएगा सिक्योरिटी ऐप में, तो सिक्योरिटी ऐप में आपको नया फीचर मिल रहा है व्हाट्सएप क्लीनर, जो कि काफ़ी यूजफुल होगा। अगर आप व्हाट्सएप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको इमेजेस, डॉक्यूमेंट, वॉइस, मतलब नोट्स, सभी कुछ आप क्लीन कर सकते हैं, जो कि आप यूज़ नहीं, मतलब आपके लिए यूज़फुल नहीं है। जो कि मतलब देख लीजिए, अगर आप ऑडियो फाइल्स है, जिप गिफ है, सभी कुछ आपको मिल जा रहा है। आप डायरेक्टली इसमें सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर सकते हैं, जो कि आपको डायरेक्टली खोज के नहीं जाकर डिलीट करना होगा, जो कि साथ बहुत जिनके लिए काफ़ी यूज़फुल फीचर होगा। व्हाट्सएप क्लीनर और आपका डुअल ऐप जो था, आपका क्रैश कर रहा था सभी डिवाइस में, तो ये भी फिक्स हो गया। मैं ज़्यादा डुअल ऐप एकदम यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसीलिए मुझे उतना नहीं पता इस फीचर के बारे, मतलब नहीं पता कि क्रैश कितना हो रहा है। और अगर आप चाहिएगा एडिशनल सेटिंग में, सेटिंग में जाके तो आपको नया एक फीचर मिल रहा, जो कि शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ना किसी के लिए, बहुत कम आदमी के लिए होगा जो कि मतलब काम करता है। ये है एंटरप्राइज मोड। तो अगर आप का मतलब कोई कॉर्पोरेशन में या कोई कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको कॉर्पोरेशन कोड चाहिए और लाइसेंस कोड चाहिए, उसके बाद आपको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट करके आप डालने के बाद ही कोड पता चलेगा। मेरे पास है नहीं कोड, अगर आपके पास है तो मेरे को दीजिए, हम डाल के ट्राई कर लेते हैं, फिर आपको इसको मतलब ये फीचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको अभी तक अपडेट नहीं मिला तो आप जाके चेक कर लीजिए, नहीं तो नीचे लिंक भी मिल जाएगा। और जो फीचर मतलब बग था टेन था इसका पहले वाला अपडेट, तो 16 में सब फिक्स हो गया। रेडमी नोट 5 प्रो में जो आपको ट्रांसलेशन एरर था, मतलब आपका सिक्योरिटी ऐप में फिक्स हो गया। नोट 3 में आपको ट्रांसलेशन फिर से इंग्लिश में एरर था। आपका मी मिक्स 2 में मतलब आपका जो था ग्रे, आपको जो डे कैलेंडर वो ब्लू होना चाहिए, वो आपको ग्रे दिखता था। और ये सब, और आपको जो मतलब डुअल ऐप्स और स्पॉटीफाई, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो स्पॉटीफाई में भी मतलब आपका नोटिफिकेशन आते ही नहीं था, लॉक स्क्रीन में ब्लैक आता था और कभी दिखता था। और आपका जो ट्रांसलेशन है, मतलब हर एक फ़ोन में एरर था, जो कि मतलब ये भी फिक्स हो गया। रेडमी नोट 5 प्रो में आपका डायलर ऐप में ही प्रॉब्लम था, जो कि मतलब एक ग्लिच था, वो मैं भी देखा हूँ, मेरे पास था नहीं पर मैं देखा हूँ। अगर आप, तो ये सब बग अभी सभी फिक्स हो गया। अगर अभी तक आपको अपडेट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, जल्दी कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप हमसे नोटिफाइड रहे मेरे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मिलन स्टूडेंट, टिल देन बाय।